तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। और अरे नंदनी, किचन एंड होम डेकोर में स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे ब्लॉग, क्योंकि हम लोग ये जा रहे दोनों आ गई हैं। है, मुझे बोलने नहीं देंगे, इसलिए इन लोगों की बात सुन लीजिए आप लोग। अरे हाँ, आज हम लोग आ गए हैं ब्लॉग करने। तो जो हम लोग के घर पे फूफू आई ना, उसके साथ चलते हैं हम लोग मुंबई, और वहां पर जाएंगे गोवा, और गोवा में खाएंगे गोला। नहीं हाँ? कैंसिल। अरे मम्मा कैंसिल नहीं, ओके चलो नो, चले नो 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 नो, देख रही हो इस समय कितना कोरोना फैला हुआ है, और पहले से भी ज्यादा, 1 ईयर पहले था ना इतना, है ना, उससे भी ज्यादा हो गया। तो इसलिए हम लोग कहीं ब्लॉग नहीं कर रहे। तो जो भी आपको खाना है ना, मैं घर में ही बना के दे दूंगी ना। बोलिए क्या खाना है आपको। गोला गोला गोली में तो बहुत टाइम लगेगा बेटा। अरे तो टाइम लगने दो, बट प्लीज बना दो। ओके अच्छा ठीक है, लेकिन आप लोग भी मेरा साथ देंगे ना। हाँ पक्का। तो चलिए आप लोग भी देखिए और फ्रेंड्स को बोलिए। हाँ फ्रेंड्स, आप कहीं जाना मत, बस आप कहीं जाना मत। सबसे पहले बनाएंगे काला खट्टा। तो अभी हम लोग को गोला के जूस बनाने के लिए चाहिए चीनी, फिर इसके बाद अभी हम लोग डालेंगे पानी। जितनी आप चीनी डालें उससे एकदम थोड़ा सा कम पानी डालें। अब किसी स्टेंसिल की मदद से इसे आप मिक्स कर लें। फिर हम डालेंगे सफ़ेद नमक, फिर अब काला नमक, और अब डालेंगे सिट्रिक एसिड, क्योंकि हम चीनी डाल रहे हैं जिससे जमे ना, इसलिए हम डाल रहे हैं सिट्रिक एसिड। हम इसमें नींबू भी डाल सकते हैं सिट्रिक एसिड के बजाय, और वैसे सिट्रिक एसिड को बोला जाता है नींबू का फूल। और अब हम इसमें डाल रहे हैं भुना हुआ जीरा। आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, जितना आपको खट्टा या जितनी अपने क्वांटिटी में डाल सकते हैं। अब मार्केट में तो काला कलर नहीं मिलता, इसलिए हमने ग्रीन फूड कलर और रेड फूड कलर को मिक्स करके ही पानी में बना लिया है। अगर आपके पास रेड कलर नहीं है तो आप लोग चुकंदर का जूस भी ले सकते हैं। और ये देखिए तैयार हो गया हमारा एकदम परफेक्ट नेचुरल काला कलर। अब हम इसे धीमे धीमे मिलाएंगे। तो अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ब्राउन आ गया है। तो जैसे ये थोड़ा सा फीना फीना आने लगे, तुरंत आप उसमें काला कलर मिला दीजिए, और आपको इसे धीमे धीमे मिलाना है। परफेक्ट काला खट्टा का जूस तैयार हो चुका है। अब इसे एक छन्नी से छान ले। छन्नी से इसलिए छान रहे हैं क्योंकि हमने डाला था भुना हुआ जीरा, तो जिससे भुना हुआ जीरा उसके अंदर ना चला जाए, इसलिए हम इसे छन्नी से छान भी लेंगे पहले। ये देखिए भुना हुआ जीरा निकल गया। तो बन गया, तैयार हो गया काला खट्टा जूस। अब बनाना है शरबत। उसके लिए चाहिए चीनी, पानी कम क्वांटिटी में, जितना चीनी उससे कम थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब ये देखिए मैं कैसे मिक्स कर रही हैं मेरी मम्मा। मिक्स कर लीजिए दोस्तों। और अब हम लोग ने डालना सिर्फ सिट्रिक एसिड डालना। लेंगे पानी, उसमें ऐड करेंगे पीला कलर जैसे कि देख सकते हैं। फिर हम लोग को लेना है ग्रीन कलर, उसमें डालना है पानी एंड मिक्स करना है। आप लोग चाहें तो जेल वाला फूड कलर भी ले सकते हैं, मेरे पास पाउडर है। और फिर हम लोग रेड कलर लेंगे और रेड कलर में भी पानी ऐड कर देंगे। और फिर इन्हीं तीनों को हम लोग डालेंगे शरबत में जो हम लोग का है, उसमें मिक्स करेंगे। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें फेना फेना खूब ज़्यादा आने लगा है, थोड़ी सी हाई गैस कर देंगे जब ये फेना फेना आएगा। ओके दोस्तों, अब बन गया है हमारा ये चाशनी, तैयार हो गई है। तो अब हम लोग इसको एक ग्लास में मिक्स कर डाल देंगे, और फूड कलर भी मिलाना है दोस्तों। थोड़ा सा इसमें पीला पीला दिख रहा था पहले, बट वो थोड़ा कलर है लाइटिंग का। ये देखिए तैयार हो गया येलो। एंड फिर अभी हम लोग ने इसको मिलाया है ग्रीन, तो देख ही सकते हैं आप लोग। और जैसे ही आप लोग को ग्रीन आप लोग मिला दें, तुरंत ये देखिए ग्रीन भी एकदम रेडी हो गया। फिर अब हम लोग बनाएंगे रेड फूड कलर। तो ये भी बन गई है रेड चाशनी हमारी। ओके
तो बन गई ना, तैयार हो गई तीनों हमारी चाशनी और उसके साथ साथ ये काला खट्टा भी। तैयार है तीनों सिरप या जूस भी बोल सकते हैं। तो गुलाम बनाने के लिए हम लोगों ने यूज किया है गुलाम मेकर, उसके अंदर डाला है आइस एंड देखिए नीचे आइस निकल रही है एक बाउल में कितने अच्छे से। तो अभी हम लोग लेंगे आइस, उसमें डालेंगे स्टिक एंड उसे प्रेस करेंगे और उसके ऊपर डालेंगे काला खट्टा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं देखने में बहुत ही यम्मी लग रहा है, खाने में तो उससे ज़्यादा लगेगा। रेडी हो गया काला खट्टा गोला। मैं तो गोवा भी नहीं गई और मुझे घर ही पर इसका मजा मिल गया। वैसे तो ना ऐसा लग रहा है मैं गोवा में बैठ कर खा। एक बार दोस्तों कुछ लोगों को नहीं पता है कोरोना के सेफ्टी रूल्स, तो हाँ मास्क वेयर करना, अगर कहीं जाना तो ग्लव्स भी पहनना चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, अदरवाइज आप लोग भी दूसरों को टच करते हो जब कभी जाते हो तो इट्स नॉट गुड है ना। तो प्लीज तो अब हम बना रहे हैं कलर वाला गोला मीन्स कलरफुल गोला, तो उसके लिए हम लोग फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे। तो अभी हम लोग एक एक करके डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे हम लोग ग्रीन, फिर हम लोग को डालना है रेड, फिर हम लोग को डालना है येलो और देखिए बन। पोस्ट हम लोग डालते हैं खाने की है ना। तो बाय गाइस।